पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि हमने आपको अपने पुराने वीडियो में भी इसकी जानकारी दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर की ओर आई बटन का एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ से उसे क्लिक कर आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक बार फिर से हम आपको इस स्कॉलरशिप की डेट बता दें तो जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो 15/10/2020 से 30/11/2020 तक के होंगे। यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट दोनों ही फॉर्म इस डेट पर अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप को ऑनलाइन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो बता दें कि आपको 10th एंड 12th मार्कशीट, पिछली कक्षा के उत्तीर्ण की हुई मार्कशीट, यानी कि आपने करंट में जो क्लास क्वालिफाई किया है उसका रिजल्ट लगेगा, साथ ही आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर, आपके जनरल इन्फॉर्मेशन फिलअप के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और एडमिशन फीस की रसीद। ठीक है, जब आप एडमिशन लेने गए होंगे तो आपके कॉलेज के द्वारा आपको एक रिसिप्ट कॉपी दिया होगा, वो रसीद लगेगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी थिंग बैंक की पासबुक, ठीक है, जिसमें आपका स्कॉलरशिप आना है। और साथ ही आपको एक स्पेशल नोटिस बता दें कि जो आपका बैंक खाता है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या करें, अपने बैंक में, आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ पे जाएं और अपना आधार कार्ड अपडेट उसमें लिंक कराने के लिए एक आवेदन दे दें। ठीक है, यह बहुत ज़रूरी है, तभी आपका स्कॉलरशिप आ पाएगा। और दूसरी चीज़, पोस्ट ऑफिस का बैंक खाता क्रमांक मान्य नहीं होगा, कई स्टूडेंट का इसी कारण से स्कॉलरशिप नहीं आ पाता है। और साथ ही जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक खाता है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप यहाँ ऑनलाइन तो कर लेते हैं लेकिन जब टीचर्स लोग उसे आगे प्रोसेस के लिए अकाउंट नंबर फिल करते हैं तो वो अकाउंट नंबर एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके कारण स्टूडेंट को वापस से फिर प्रॉब्लम होती है और टीचर उसे बाद में कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आप कोशिश करें कि पोस्ट ऑफिस का बैंक खाता और जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का खाता है उसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें। और साथ ही जब आपका स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन हो जाए तो सपने अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करने होंगे, और आय जाति निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार से सत्यापित होना चाहिए, सरपंच या पार्षद द्वारा सत्यापित दस्तावेज मान्य नहीं होगा। यहाँ पे आप देते हैं तो ऑनलाइन तो करा लेंगे सरपंच या पार्षद द्वारा जो सत्यापित दस्तावेज है, लेकिन जब आप कॉलेज में जमा करेंगे तो वहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको जो पिछले साल का स्कॉलरशिप वाला वो फॉर्म फिलअप किए थे तो उनके पास एक यूज़र आईडी एवं पासवर्ड होगा, जिसे अभी फॉर्म रिन्यूअल के लिए भी वो लगेगा, और वो इस प्रकार के होंगे आपके पास, आप इसे देख के याद करें, यह यूज़र आईडी पासवर्ड है स्कॉलरशिप के लिए रिन्यूअल के लिए जो कि लगेगा। साथ ही आपको जब फॉर्म फिलअप कर लें तो कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे हम वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए तो उसकी एक हॉर्ड कॉपी निकलेगी, यानी कि प्रिंट आउट, वो उसे जमा करना होगा। साथ ही आप किसी भी क्लास के लिए अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए, आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट तो लगेगा ही, ठीक है, उसकी जो जीरोक्स कॉपी है वो, और साथ ही पिछली कक्षा के उत्तीर्ण की हुई मार्कशीट, ठीक है, जीरोक्स कॉपी, आय प्रमाण पत्र, ध्यान दें आय प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल ही देने होंगे, और जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की जीरोक्स कॉपी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की जो जीरोक्स कॉपी है वो देने होंगे, एडमिशन फीस रिसिप्ट की जीरोक्स कॉपी। साथ ही जब आप कॉलेज में जमा करने जाएंगे तो आपको एक स्कॉलरशिप वाला एफिडेविट भी बनवाकर देने होंगे, ये स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने के लिए लगता ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आया होगा। आप इस स्कॉलरशिप वीडियो को शेयर कर अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो शेयर ज़रूर करें, साथ ही लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ऐसे ही और नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम और भी इस प्रकार की जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।